हाथ जोड़ बंदी ना करा सत्कार योग सतगुरु जी दी साजी नवाजी सत्संग जी आओ। सब तो पहला फतेह लगे अर्ज कर। फतेह बुलाने दे नाल दो बारी वाहिगुरु शब्द मुख चो निकलदा है,
वाहेगुरु गुर मंत्र है, जप होमे खोई। जेड़ा इंसान जेड़ा व्यक्ति वाहेगुरु का सिमरन करता, वाहेगुरु का नाम अपने हिरदे विच वसाउंदा है, उसके मन दे विच मान अहंकार होमे कदी आ नहीं सकती। साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे पड़ पुत्री, साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पुत्री, साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह दे लखते जिगर, कलगियां वाले दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह सानू फतेह का जयकारा बख्श किया। शहर तो लैना लगता है, कहिंदा दसवें पिता की जग तो शान वखरी, रंग नवा है उहदे जयकारियां ते, वे रंग तो उहदे जयकारियां ते नवा होना चाहिए, क्योंकि साड़ी कौम शेरां दी कौम, बबरां दी कौम, सोरवीरां दी कौम, योधियां दी कौम, सिर लथ शहीदां दी कौम महाराज सच्चे पातशाह ने सज के रख दित्ती है। साईं बुले शाह जी ने ठीक किया सी, ना कहूं आपके, ना कहूं आपकी, और बात कहूंगा जबकि अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सबकी। एक मुसलमान लिखारी लिखता है, कहिंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गोबिंद की वो कम है। साडे पंजाबी दे शहर दूसरे भाई गुरदास सिंह जी लिखते ने, वाह प्रगटियो मरदिया गमड़ा, वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। एक लैंड में चार गल्लां करके ने मरदा अगंबड़ा वरियाम और अकेला उन्हां वर्गा बेमिसाल लासानी, ना कोई इस धरती ते आया, ना कोई आवेगा, ना कोई पहला आया सी। शहर ने होर दो सुंदर लैंडां लिख दित्तियां, कहिंदा कलगी वालिया कौम दे शहनशाह, मिलनी जग ते तेरी मिसाल कोई नहीं, पंथ साजिया खंडे दी धार विचों तेरे जिहा भी टिठा कमाल कोई नहीं, आपे गुरु ते आपे ही बने चेला तेरे जिहा भी दीन दयाल कोई नहीं। वो सब कुछ वार के भी खड़खड़े हसदा रहे, ऐसा माने जमिया लाल कोई नहीं। गुरु प्यासा सिंह जी किसे माने हो जा लाल पैदा नहीं किया, उस मरदिया गंबड़े ने सानू फतेह का जयकारा बख्श किया। जोगो जोगे अटाला चबर छत्र दे मालक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की निघी गोदा आनंद मान रही जिन्निया रूहां, जिन्हें श्री जुड़ बैठे हो, आओ बड़े अदब सत्कार के नाल सतगुर महाराज सच्चे पातशाह के सामने हथ जोड़ के सी झुका के बुलंद आवाज में फतेह बुलाउणियां, क्योंकि तुहाडी ते साडी हाजरी सतगुर दाता जी के चरणों में हो जाए प्रवान। जोड़ो हाथा ते चकाओ सीसो, करो एक बारी अपनी अपनी रसना पवित्र ते गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। प्रवान होवे जी। गुरु प्यासा सिंह जी बहुत धनतां दे योग हो जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की निघी गोदा आनंद मान रहे हो, बहुत ज्यादा वड्डिया भागां वाले जो गुरबाणी और कीर्तन का आनंद मान रहे हो, जो गुरबाणी पढ़ता है, जो गुरबाणी सुनता, जेड़ा गुरबाणी गाँदा है, उन्होंने कदे किसी चीज़ की घाट रह नहीं सकती। जिस तरह आप बराबर दी संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की निघी गोदा आनंद मान रही आओ, वड्डिया भागां वाले हो। गुरु प्यासा सिंह जी सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, साडियां मातावां साडियां भैणां बच्चियां वालों बेअंत मान जत्थे नूं आया है, साडे वीरां बच्चियां बजुर्गां वालों बहुत सारा मान जत्थे नूं आ रहा है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह रहमत बनाई रखन, कृपा बनाई रखन, चढ़दियां कलां हरता फतेह करन। आओ कुछ समा आप बराबर दीआं संगतां दे चरणां दा निघ मानन दा जतन करना है, कुछ इतिहास के पन्ने आप दे नाल सांझे करके खिमा दे जाचक हो जावांगे। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह रहमत बनाई रखन, असीं बात पै जावांगे, तुसीं हंगारा भरदे चलिओ। सतगुरु दाता जी कृपा करन, आप बराबर दीआं संगतां दे चरणां दे नाल दासरियां दे जत्थे दा प्यार बन जाए। गुरु प्यासा सिंह जी तको जिहड़ा सतगुरु तेग बहादुर सिमरिया कारणों ने दिया बताए, सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी दी साडे सिख धर्म नूं एक बहुत वड्डी देन है। वह देन कहड़ी है? आनंदपुर साहब की धरती, आनंदपुर साहब का निर्माण सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी गुरु प्यासा सिंह जी इन्हों अकाल पुरख ने एक हीरिया तो सुंदर लाल बख्श किया है, जिन्हों का नाम है गोबिंद राय। गोबिंद राय जी जिस वेले पंजाब की धरती आए ने, इन्हों के पंजाब की धरती से पहुंचने तो पहला सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी ने आनंदा की पुरी की धरती की चोन कर दी है। आनंदा की पुरी की धरती की चोन सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी ने क्यों की है? सरदार प्यारा सिंह जी पद्म लिखते हैं कि सतगुरु तेग बहादुर दाता जी जिथे भगती वाले ने शक्ति वाले ने उत्थे तेग दे भी धनी ने। भाई श्री करतारपुर की जंग दे विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी ने बहुत वधिया तेग चलाई है। सतगुरु तेग बहादुर दाता जी के पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे साडा तेग बहादुर है। सतगुरु तेग बहादुर दाता जी का पहला नाम सी त्यागमाला, ते सतगुरु तेग बहादुर दाता जी के माता माता नानक जी तेगा कह के बुलाया करते सन। हुण सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे साडा तेग बहादुर है। सतगुरु तेग बहादुर दाता जी नूं पता है कि इस धरती के नालों होर कोई वधिया धरती हो सकती, एक उच्ची जगह पर है, इहदे चार चफेरे निमाण है, एक उच्ची जगह से जदों कितें दुश्मन दीआं फौजां चढ़ के आउणगीआं ते दुश्मन नाल टाकरा वधिया हो सकता है।
गुरु प्यारे साध संगत जी आनंदपुर साहब की धरती असल मैंने तो जंगपुर बनी रही है। आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते दसवें पातशाह ने पांच धर्म युद्ध लड़े ने। दसवें पातशाह ने पांच धर्म युद्ध उस आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते लड़े ने। कितने बाई धार के राजे चढ़ के आ गए गुरु प्यारे साध संगत जी, कितने औरंगजेब की फौज चढ़ के आ गई, कितने लाहौर की फौज चढ़ के आ गई, कितने सरहंद की फौज आ गई, कितने दिल्ली की फौज आ गई है। गुरु प्यारे साध संगत जी असल मैंने आनंदपुर साहब की धरती जी जंगपुर बनी रही है। जो तको जरा सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी का दरबार लगा है पंडित कृपा राम दत्त की अगवाई दे हेठ। एक इतिहासकार ने लिखे 500 ब्राह्मण आए ने, एक ने लिखे 17 ब्राह्मण आए ने, एक इतिहासकार ने लिखे 40 ब्राह्मण आए ने। ब्राह्मण आए सतगुर मरस के पातशाह के चरणों में खलो के नमस्कार करके अपनी सारी विथ्या दसी है। सतगुर मरस के पातशाह सोच विचार कर लगे ने कि जो कुछ इन्होंने दसिया का की हल होना चाहिए। इन्हें चरणों अपने हानिया के नालों खेड़ते खेड़ते गोबिंद राय जी आए आन के गुरदेव पिता की गोद में बैठ गए। सामने की तकिया संगत खलोती हुई है, गलां विच परने पाए हुए ने, चेहरे तो दसिया रंग पीले फेरे हुए ने। गुरदेव पिता गोबिंद राय जी पुछते गुरदेव पिता संगत कौन है, ये कितों आए ने, इन्हों के चेहरे से उदासी क्यों, रंग क्यों पीले फेरे हुए ने। गुरदेव पिता कहणगे मेरे लाल जी इन्हों का धर्म खतरे में है, इस करके इन्हों के चेहरे से उदासी है, रंग पीले फेरे हुए ने। गुरदेव पिता जिन्हों का धर्म खतरे में है तो धर्म इन्हों का किस तरह बच सकता है या किस तरह बचाया जा सकता है। गुरदेव पिता कहणगे मेरे लाल जी इन्हों का धर्म तां बच सकता है जे कोई पीर पैगंबर को बली औलिया को धर्मात्मा इन्हों की खातर अपना आप बारे फिर इन्हों का धर्म बच सकता है। दो मिनट वास्ते गोबिंद राय जी चुप किए हैं, ननिया मुनिया बुढ़िया में मुस्कान आई है, कह लगे गुरदेव पिता तुहाडे नालों धर्मात्मा कौन है। गुरदेव पिता तुसीं जाओ जाके इन्हों का धर्म बचाओ। गुरदेव पिता कह लगे मेरे लाल जी जे मैं चलिया गया इन्हों का धर्म बचाने की खातर मैं अपना आप वार दिता तो तुसीं जतीम हो जाओगे। गुरदेव पिता दे कोलों इन्नी गल सुन के गोबिंद राय जी बोले, कह लगे गुरदेव पिता जे मेरे जतीम होने दे नाल आ लखा दुनिया हिंदुस्तान की जतीम हो जाए, यह सौदा सस्ता है महंगा नहीं। गुरदेव पिता ने अपने लखते जगह घुट के गलबकड़ी में लिया, लुच की है दिल्ली की तैयारी, मैं चांद चौक के अंदर जाके हिंदू धर्म की खातर सतगुर तेग बहादुर दाता जी ने अपना शीश कटवा दिता है। और औरंगजेब ने एक हुक्म किया, कहिंदा कोई इन्हों का सीस चुकन की जरूरत ना करे, कोई धार चुकन की जरूरत ना करे। उस अकाल पुरख का करिश्मा होया, भाई साहब भाई जैता जी हो गांव एक हनेर का बुला आया, उस बुले भाई साहब भाई जैता जी ने मरस्ते पातशाह का सीस चुकया, चादर च लपेटिया, पिछा लमंजला मार दतिया, धार लखी छावन जारा बड़े अद्भुत सत्कार के नाल घर लै गया, जाके चिखा तैयार की है, लंबू लाया महाराज का उत्ते शरीर रख के घर सड़ रहा है, बाहर निकल के उची उची रौला पान लगा, कहिंदा लोको आओ आन के कोई मेरा घर बचाओ, मेरा घर सड़ रहा है, नाले नैणा दे विचों नीर बहा रहा है, ये है गुरु का ते गुरु दे सिख दा प्यार। गुरु प्यार साध सिंह जी सतगुरु गुरु तेग बहादुर दाता जी दे धार और सीस दे विच 200 मील दी विच पै गई है। ये गल याद रखियो, ये दुनिया के पहले शहीद ने जिन्हें तार और सीधे 200 मील की वित पई है। और औरंगजेब ने एक होर हुक्म किया, कहिंदा कोई हिंदू रेशमी कपड़े ना पावे, कोई जंजू ना पावे, कोई तिलक ना लावे, कोई बोधी ना रखे, कोई ढोलकी ना बजावे, कोई छैने ना बजावे, इतिहास लिखने बंद कर दियो, दिवाली बंद कर दियो, दुशहरा बंद कर दियो, ढा दियो मंदिर, सार दियो मसीता। ऐलान उत्ते ऐलान हुंदा चला गया, हिंदू धर्म का नक दम आ गया। उस वेले गोबिंद राय जी उम्र 8 साल 10 महीने 19 दिन की सी जिस वेले गुरगद्दी उत्ते बैठे ने। गुरगद्दी उत्ते बहिंदिया सार धर्म की रक्षा का बीड़ा चुकया है। सतगुर मरस्ते पाशाह ही कह लगे ने कि औरंगजेब का हुक्म होया कि ढोलकी छाने कोई नहीं जा सकता, साले काल पुरख का हुक्म होया नगारे मर दियो। सतगुर मरस्ते पाशाह ने दवान नाथ चंद वाल किया इशारा, दवान जी गए चंद दिनों के अंदर एक नगारा मर के लियाए, सतगुर मरस्ते पाशाह के सामने पेश किया गया, ना रखा रणजीत नगारा। सतगुर मरस्ते पाशाह जी कह लगे उठे को सूरमा भाई लावे चोटा रणजीत नगर चोटा भाई कलकी धार रणजीत चोटा दिखा ला उत्थे सूरमियां चढ़ गए मन मन पक्के चा उत्थे जागा आई है इश्कों प्यार की बगी हवा मैं फसते फिरते मौत कई बन जा रहे पा उत्थे सड़ बल गए पहाड़ गए उन्हें घर में सुख पिया मैं भीम चंद ने अपने साथी ले बुला कहता दसवा पाशा साढ़े सिर ते चढ़िया रोकन का कोई दरबड़ा वो संगत पुरिया रल के करो पा। राजे भीम चंद ने भी साथी कट्ठे किए कितने आनंदपुर साहब न घेरा पाया। गुरु प्यारे साध संगत जी लंबा समा चलता रहा तो क्यों जरा महाराष्ट्र पाशाह के महल माता जीता जी कुछ कुछ बीमार पे ने। माता जीता जी के मन के एक ख्याल आया कि साढ़े चार पुत्र ने, तवज्जो दे के सुनदा जतन करियो। मैनू यह पता है कि तुम इतिहास के विद्यार्थी बैठे हो, तुहानू इतिहास सारा ही पता है,
बड़े 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 रागी ढाडी सद के तुसी सरवण करते हो। गुरु प्यासा सिंह जी आप बराबर दी संगतां दे चरणां विच साडा सिर झुकदा कि सानू सरवण करन दे वास्ते तुसी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पातशाह जी निनी की गोदा आनंद मार रहे हो। धन्नवाद है सारियां संगतां दा। गुरु प्यासा सिंह जी माता जीता जी बीमार पए ने, माता जी दे मन विच ख्याल आ गया कि साडे चार पुत्र ने, हुण पता नहीं इस कलबूत दे विचों भौर ने कदों डारी मार जानी है। मेरे चारां पुत्रां दे विचों वड्डा पुत्र है अजीत सिंह, वड्डा पुत्र अजीत सिंह है, ओहदी कड़माई हो जाए, ओहदी घर वाली ओहदी वहुटी घर आवे ते मैं ओहदे सिर दे उत्तों पानी वार के पीवां। साडियां मतावां बैठियां ने, गुरु प्यासा सिंह जी मतावां दे मन विच चाह हुंदा है कि साडे पुत्र दा आनंद विआह होवे ते साडी नूह राणी घर आवे ते असीं ओहदे सिर दे उत्तों पानी वार के पीए। गुरु प्यासा सिंह जी महाराज जीतां जी दे मन दे विच गल है कहते कि सतगुर महाराज जी पातशाह जी घर आउण ते मैं उहनां दे नाल विचार सांझी कर सकां। सतगुर महाराज जी पातशाह जी महलां विच आए, महाराज जी पातशाह जीतां जी दे कोल आए, दिलां दीआं जानण वाले ने। सतगुर महाराज जी पातशाह कहण लगे जीतां जी याद कर रहे सो? हाँ गुरदेव पिता, हाँ सच्चे पातशाह मेरे सिर दीआं साईआं मैं याद कर रहा सां। दसो जीतां जी की कहना है? महाराज जी पातशाह दे सामने जीतां जी कहण लगे ने मेरे सिर दीआं साईआं अपने चार पुत्र ने, चारां दे विचों वड्डा पुत्र है अजीत सिंह, जे उहदी कड़वाई कर लवो ते नूह राणी घर आवे ते मैं उहदे सिर दे उत्तों पानी वार के पीना चाहुंदी आ। सतगुर महाराज जी पातशाह जी दा जिगरा तकियो। गुरु प्यासा सिंह जी सतगुर महाराज जी पातशाह जी हसे मुस्कराए। महाराज जी पातशाह जी कहिंदे जीतां जी तुहाडे ते चार दे चारे पुत्र मंगे गए ने। जीतां जी तुहाडे ते चार दे चारे पुत्र मंगे गए ने। माता जीतां जी कहिण लगे सतगुर महाराज जी पातशाह चार दे चारे पुत्र मंगे गए ने पर मेरे ते महलां तक खबर तक नहीं है। सतगुरु महाराज जी पातशाह जी माता जीता जी दे नाल जो गल्लां कर रहे ने ओ नक्शा ओ सीन आपदे सामने वे संगत पर फगवाड़े वालियां दा ढाडिया था आपदे चन्ना जी कहिंदा सुन हाल सारा तेरे पुत्रां दी शादी दा अजीब ही नजारा जे तू पुछे आए जी तो ता तू सुन हाल सारा पुत्रां दी शादी दा अजीब ही नजारा जेड़े खुशियां आनंद मौका मान दे जेड़े खुशियां आनंद मौका मान दे खुशियां सदा ना रहनियां ना किसे पानी मंगना के खून दिया तारा बैनिया
बारे सोच के वेखिए, आप अपने बच्चों के बारे महसूस करके वेखिए, अपना अपने बच्चों के बारे कह सकते हैं कि मौत के नाल जितों तेरे पुत्रां ने लावा लेने जाने। संतुर मनस्ते पाचाई कह रहे हैं माता सीता जी कि जितों राणिए तेरे चार ते चारे पुत्र मंगे गए ने, जितों राणिए तेरे चार ते चारे पुत्रां ने मौत के नाल लावा लेनिया ने। कि सौखी गल है, सतगुर गुरु दसवें पातशाह गोबिंद सिंह महाराज के पातशाह का जिगरा किदा आपका जरा गुरु के सत्संग की कारगे दा आपके चला चला पिछला शादी होना बाप ने ना मन बस हो इको दादी छोटे पुत्रां दी होनी सारे हाथ विच शादी होना बाप ने ना मन बस हो इको दादी माता गुजरी पड़े पे बाली उम्र गुजरी पड़े पे बाली उम्र सत्ता जो आसान सैनिया पुत्रां दी मौत अखी तकनी ते सौखियां ने गल्लां कहनियां तेरे पुत्रां ने दुनिया दे सामने मौत नाल लाव लैनियां पुत्रां ने दुनिया दे सामने मौत नाल लाव लैनियां पुत्रां ने दुनिया दे सामने मौत नाल लाव लैनियां वे तेरे पुत्रां ने दुनिया दे सामने मौत नाल लामा लैनिया। सतगुर महाराज के पाछे कह लगे जीता जी तुहाडे ते चार दे चारे पुत्र मंगे कहे ने सच्चे पाछा मेरे ते महला तक खबर तक नहीं है मेरे चार दे चारे पुत्र मंगे गए ने किथे मंगिया वड्डा साहिबजादा जीत सिंह केड़े पिंड जानी है बरात जुझार सिंह दी मेरे सतगुर केड़े पिंड तो वोटी आनी है जोरावर सिंह जी दी ते केड़े पिंड ब्यौन जाना है साडे छोटे पुत्र फतेह सिंह ने गुरप्या सत संगत जी सतगुर महाराज के पाछे कह लगे जीता तेरे चार दे चारे पुत्र मौत नाल मंगे गए ने धर्मराज की पुत्री है मौत दे नाल तेरे चार दे चारे पुत्र मंगे गए ने गुरप्या सत संगत जी मां है मां दे कालजे दा रुक भरिया गया है सतगुर महाराज के पाछे कह लगे जीता जी ए एक तेरे पुत्रां दी अनोखी शादी होनी है रहिंदी दुनिया तक लोग याद रखणगे तेरे छोटे पुत्रां दा विचोला जिहड़ा ना गंगा राम बन जा रहा है सच्चे पाछा मेरे नाल ते गंगा राम ने भी कोई गल नहीं की थी। सच्चे पाछा मेरे नाल ते गंगा राम ने भी कोई गल नहीं की हैगी कि ओह विचोला बन जा रहा है सतगुर महाराज के पाछा कहन लगे भोलीए जीता हले ते गंगा राम नूं आपणे पता इह ते धन गुरु नानक महाराज के पाछा ने कृपा करनी है कि गंगा राम ने विचोला बनना है महाराज के पाछा कहन लगे जीता तेरे चारे दे चारे पुत्रां दी बरात जिहड़ी आ सरसा दे कंढे दे उत्ते चढ़नी है दोहां दा विआह चमकौर दी धरती ते होना है ते दोनों दा सरहंद दी धरती दे उत्ते जाके होना है गुरप्या सत सिंह जी तको जरा बड़ा लंबा घेरा पिया है जिस वेले बहुत लंबा घेरा पिया है महाराज के पाछा जी हुण अपने सिंघा सूरमियां दे नाल विचारा कर रहे ने सतगुर महाराज के पाछा सूरमे कहन लगे सच्चे पाछा आनंदपुर साहब दा किला छड्ड देना चाहिए महाराज के पाछा जी कहन लगे कि सिंघो कुछ समा होर देख लईए भई दुश्मन भी आ चुका है हाले आप रुक जाइए पर सिंह कह लगे सच्चे पातशाह कृपा करो दुश्मन ने
ते हुण सौहां भी खालियां कसमां खाली ने आपां आनंदपुर साहिब दा किला छड़ दईए। आनंदपुर साहिब दा किला सतगुर मरस ते पाछा ने छे ते सत पौ दी रादा छड़िया तुरे जा रहे ने। अमृत वेला होया सतगुर मरस ते पाछा ने अपना घोड़ा छेड़िया जात सिंह दे नेड़े लैके आए ने। सतगुर मरस ते पाछा जी कहन लगे ने गुरप्यासा सिंह जी तक्यो जरा सतगुर मरस ते पाछा जी। हुण दया सिंह नूं कहन लगे दया सिंह जी अमृत वेला हो गया जी हजूर पिता अमृत वेला हो गया। मरस के पाछा कहंदे अमृत वेला हो गया तो आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते की करिया करते सन। सच्चे पाछा आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते आसा जी की वार दे कीर्तन होया करते सन। मरस के पाछा वे सिख संगतां इशनान पानी करके दरबार में आया कर दिया सन। सतगुर मरस के पाछा कहन लगे फिर हुण कीर्तन जरूर होगा। दया सिंह कहन लगे सच्चे पाछा पिछे दुश्मन दल चढ़ के आ रहा है। सच्चे पाछा पिछे दुश्मन दल चढ़ के आ रहा है। सतगुर मरस के पाछा जी तको जरा सतगुर मरस के पाछा जी कहन लगे दया सिंह कीर्तन जरूर होगा। और कीर्तन होया गुरप्यासा सिंह जी एक मैं विचार आपके नाल सांझी कर जावां। तको जरा एक विचार आपके नाल मैं सांझी करन दा यतन करना है। गुरप्यासा सिंह जी तको दुनिया के तख्ते उत्ते जिन्ने पैगंबर होए ने सारयां दा इतिहास पढ़ लो। दुनिया के तख्ते जिन्ने पैगंबर होए ने सारयां दा इतिहास पढ़ लो। किसी भी जिंदगी दे अंदर यह घटना नहीं घटी हो रब की इबादत कर दिया कि रब की इबादत कर दिया कि जंग लड़नी पई होवे। केवल तो केवल धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पाछा दे जीवन दे विच घटना घटी है। उन्हां दी जिंदगी दे विच ही आया कि रब की इबादत कर दिया जंग लड़नी पई होवे। गुरप्यासा सिंह जी कीर्तन आरंभ होया दुश्मन दा चढ़ के आ गया। साहिबजादा अजीत सिंह ने अपना जथा लिया। पहले प्यारे भाई साहब भाई दया सिंह जी ने अपना जथा लिया। भाई वीर बचित्र सिंह ने अपना जथा लिया जाके दुश्मन ठल पाके रखी है। गुरप्यासा सिंह जी कीर्तन की समाप्ति हुई है। अरदासा सोधिया गया है। सतगुर मरस के पाछा ने घोड़ा नदी में ठेल दिते ने। वह नदी तो पार हुए ने पर गुरप्यासा सिंह जी किन्ने जाने हुए ने। आनंदपुर साहब की धरती के उत्तों 1500 का काफिला तुरिया सी। आनंदपुर साहब की धरती के उत्तों 1500 का काफिला तुरिया पार किन्ने जाने हुए ने। यह मैं विचार आपके नाल सांझी करनी है। उस तो पहला मैं अपने ढाडी वीरां तुहाडे चन्नां 'च हाजिर कर लवां। गुरप्यासा सिंह जी कुछ कीमती समान कुछ घोड़े कुछ सिंह ए सरसा नदी दे भेट हो गए। वे सतगुर मरस के पाछा जी पार होए। सतगुर मरस के पाछा जी दा परिवार तिन्ना हिस्सों में वंडिया गया है। सतगुर मरस के पाछा दा परिवार तिन्ना हिस्सों में वंडिया गया है। सतगुर मरस के पाछा दे महल भाई मणि सिंह दे नाल दिल्ली नूं रवाना हो गए। गुरप्यासा सिंह जी सतगुर मरस के पाछा दे छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी जी वख रस्ते हो गए। बेटा गुरु गुरु गोबिंद सिंह मरस के पाछा जी ते इन्हां दे नाल वड्डे साहिबजादे नाल को सिंह ने यह चमकौर की धरती वालू होए ने। आ तको जरा सतगुर मरस के पाछा दा परिवार सरसा दे कंढे दे आके किवें खेरू खेरू होया किवें परिवार विछड़ गया। ओ नक्शा ओ सीना दे सामने ते जथेदार हरदीप सिंह संगतपुर फगवाड़े वालियां दा ताड़िया दाब दे चन्ना जे क्या कहंदा छड़े ऐसा मारे हस मैंने देख लोड़ा सर सादे कंडे आन के पै गया परिवार दा विछोड़ा सर सादे कंडे आन के पै गया परिवार दा विछोड़ा ।
नदी चढ़ आया सरसा दा उत्तो पानी। ओ कोई शुरू हो गई लो पिजी सतगुरां दी कहानी। हड्डियां नु चीरे सरदी चढ़ आया सरसा दा उत्तो पानी। ओ कोई शुरू हो गई लो पिजी सतगुरां दी कहानी। पिता सारे परिवार ने जदाई वाला कौड़ा सारे सादे ठंडे आन के पै गया परिवार दा विछोड़ा। सारे सादे ठंडे आन के पै गया परिवार दा विछोड़ा। चमकौर देसी पाता मनी सिंह दिल्ली बल नू नाल सुंदरी ते साहिब देवा माता। बड़े लाल नाल गुरां दे चाला बल चमकौर देसी पाता मनी सिंह दिल्ली बल नू नाल सुंदरी से साहिब देवा माता। कोटला निहंग रोपड़ो कोटला निहंग रोपड़ो गुरा पाया सी गड़ी दे बल मोड़ा। सरसा दे कंडे आण के पै गया परिवार दा विछोड़ा। सत्संग जी बहुत सारा माण अपने जथे नूं साडियां मातावां साडियां भैणां साडियां बच्चियां वलों आ रहा साडे वीरां बच्चियां बजुर्गां वलों बेअंत माण जथे नूं आ रहा साडे अति सत्कार योग गुरु प्यारे सत्संग जी सरदार कश्मीर सिंह जी विरक बलवीर सिंह जी साडे अति सत्कार योग लखबीर सिंह जी रणबीर सिंह जी साडे अति सत्कार योग साडे भैण जी लखबीर कौर जी भैण जी साडे अति सत्कार योग गुरप्रिया सतसंग जी कुलविंदर सिंह जी जीजा जी बापू सोढ़ी सिंह जी विरका गुरप्रिया सतसंग जी सारिआं दे नां तों स्पैशल 500 दा बड़ा जतन मान दे के गए ने। बापू सोढ़ी सिंह जी दे पोतरे साजनप्रीत सिंह जी धीरज सिंह जी तेज जसप्रीत सिंह जी जसलीन कौर ते बापू जी दे सारे परिवार वल्लों बेअंत मान जथेनूं आ रिहा है। सतगुर मरस च पछै रहमत बनाई रखन कृपा बनाई रखन चढ़दियां कला हरदा फतेह कंज जी सतगुर मरस च पछै सारिआं दे नाम आप जानदे ने साडे मुंडी परिवार उन्हां वल्लों बेअंत मान जथेनूं आ रिहा है। सतगुर मरस च पछै रहमत बनाई रखन कृपा बनाई रखन साडे अति सत्कार योग गुरप्रिया सतसंग जी सतगुर मरस च पछै रहमत बनाई रखन बाबा लीडर सिंह जी उन्हां दे नाम ते स्पैशल नाम अपने जथेनूं आ रहे ने साडे अति सत्कार योग साडे बापू जी सोढ़ी सिंह जी गुरप्रिया सतसंग जी इन्हों वालों भी बेअंत मान जथे आ रहा है। सतगुर मरस च पछे रहमत बनाई रखन कृपा बनाई रखन साडियां मातावां साडियां भैणां साडियां बच्चियां सारिया वालों बहुत सारा मान जथे आ रहा है। साडे वीरां बच्चे बजुर्गों वालों बहुत सारा मान जथे आ रहा है। साडे पिता जी के समान सारे बजुर्ग बैठे ने उन्हां सारिया वालों बहुत सारा मान जथे आ रहा है। सतगुर मरस च पछे रहमत बनाई रखन कृपा बनाई रखन चढ़दियां कला हरदा फतेह कर लो जी तको जरा गुरप्रिया सतसंग जी माता पिता की गोदी के शिंगार नन्ने मुन्ने बच्चों वालों बेअंत मान जथे आ रहा है।
सतगुरु महाराज के पछे रहमत बनाई रखना, कृपा बनाई रखना। तो को जरा भाई सतगुरु महाराज के पछे दा परिवार गुरु प्यासा सिंह जी सरसा दे कंडे दे उते आके खेरू खेरू हो गया, परिवार महाराज के पछा जी दा बिछड़ गया। गुरु प्यासा सिंह जी जिस वेले सतगुरु महाराज के पछे दा परिवार बिछड़ गया तो क्यों मैं आप दे नाल इक वादा कीता सी कि आनंदपुर साहब की धरती दे उतो आनंदपुर साहब की धरती दे उतो 1500 दा काफला तुरिया, आनंदपुर साहब की धरती तो 1500 का काफला तुरिया, पार किन्ने जाने हुए ने 51 जाने। कौन? गुरु प्यासा सत संग जी तको जरा दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पातशाह जी नाल 41 सिंह ते दो साहिबजादे, कुल गिनती है 44 जेड़े चमकौर की धरती नू गए ने, 44 ते 3 जेड़े सरहान की धरती नू जा रहे ने, 44 ते 3 47 गुरु प्यासा सिंह जी, 47 ते 3 जेड़े दिल्ली नू गए ने, 50 51 भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी जेड़े रोपड़ की धरती से गुरु प्यासा सिंह जी शहादत का जाम पी गए, 51 भाई बचित्र सिंह जी हुण जाम शहादत पी गए ने। सतगुरु महाराज के पातशाह जी पार होए अपने घोड़े की वाग चमकौर की गढ़ी वालू मुड़ी है, चमकौर की धरती से गए सतगुरु महाराज के पातशाह जी ने जाके चमकौर के बहरले पासे डेरा लाया, जिस वेले डेरा लाया तो पिंड का चौधरी सतगुरु महाराज के पातशाह के चरणों में आया, सतगुरु महाराज के पातशाह के चरणों में आके नमस्कार की है। सतगुरु महाराज के पातशाह जी ने गुरु प्यासा सिंह जी उस चौधरी शीबा दिता, सतगुरु महाराज के पातशाह के चरणों में हाथ जोड़ के खलो गया, कह लगा सच्चे पातशाह पिछे दुश्मन दा चढ़ के आ रहा है, सच्चे पातशाह पिछे दुश्मन दा चढ़ के आ रहा है, सच्चे पातशाह खुली जगह जी है दुश्मन के नाल कोई टाकरा करने वास्ते बहुत ही वधिया नहीं है, सच्चे पातशाह मेरे को एक कच्ची हवेली है, मेरे को एक कच्ची हवेली है, वो हवेली जारी है, किले जला काम ते नहीं दे सकती पर थोड़ी जी किले वर्गी जरूर है, कोई ना कोई बचा कर सकती, सच्चे पातशाह मेरी हवेली में चल के डेरे लाओ। सतगुरु महाराज के पातशाह ने एक चौधरी की बेनती प्रवान कर दिया होया, उस कच्ची हवेली दे विच जाके डेरे लाए। गुरु प्यासा सिंह जी सतगुरु महाराज के पातशाह जी जिस वेले कच्ची गढ़ी दे विच पहुंचे उस वेले इतिहासकारां ने लिखिया कि सूरज जिहड़ा डुबदा जा रहा, सूरज छिपदा जा रहा, सतगुरु महाराज के पातशाह दे सूरमियां ने कुछ कपड़े सिकाए ने, सतगुरु महाराज के पातशाह जी उस कच्ची गढ़ी दे बारे अपने सूरमियां दे नाल जो विचारा कर लगे ने, की कह लगे ने, की दसदे ने, कच्ची गढ़ी है, यह चमकौर की गढ़ी है, इत्थे अज मेरे पुत्रां ने शहीदियां पाउणियां ने, मेरे प्राणा तो प्यारे सिंघां ने इत्थे अपना आप वारना है, कि सतगुरु दाता जी कह रहे ने, वो नक्शा उस सीन आपके सामने मैं संगतपुर फगवाड़े वालियां दा ढाड़िया ता है क्या Thank you.
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 500 ਤੱਪੜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥ ਰੱਖਣ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਮਦਾ ਫਤਿਹ ਕੰਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਆ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣੇਗੀ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਪਰ ਜੋ ਹਦਵਾਣਿਆ ਪਰ ਰੋਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਚੁਗਣਾ ਬੜ ਬੜ ਕੇ ਡਾਰਾ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀ ਕੌਣ ਗਏ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਗੜ 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 ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਕਰਕ 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 ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਫੜ 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 ਸੁਰਮਾ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹ ਸੰਤਪੁਰੀਆ ਆ ਧੜਕਾ 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 ਧੜਕ ਧੜਕ ਸੀਨੇ ਧੜਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਖੜਕਿਆ ਖੰਡੇ ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੇ ਤੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠਾ ਖਾਲੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਮਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈਆਂ ਤਾਰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇਗ ਜੀਤੀ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਪੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤ ਪੀਣੀ ਝੰਡੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਾ ਛੰਡੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਵੱਜਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਵੰਡੀ ਤੇ ਜੋਧੇ ਪਾਏ ਦਿਲਬਰਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਟੇ ਹੱਥੀ ਧਿਆਏ ਰੱਤ ਦੇ ਚਿਲੀਆਂ ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱਕਾ ਹੋਈਆਂ ਛਾਨਣੀ ਕਹਿ ਮੱਥੇ ਫੁੱਟੇ ਲੱਤ ਕੇ ਸੀ ਧਰਾ ਤੋਂ ਤਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੁੱਟੇ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਰ ਖਾਣਾ ਖਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਵੰਗਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਆ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਾਂ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਖਰੋਚ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਛਕੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ
गुरप्यास सत्संग जी जिस वेले गिरफ्तार करवाया ना मैं जतन करना कि अपने ढाडी वीरां दे कोलों मैं शॉर्टकट करके दो तीन नगमे कहा जावां प्रसंग दा रिजल्ट कढ़न दा जतन करना। गुरप्यास सत्संग जी गुरु घर की बख्शिश जिस वेले ढाडियां नूं जां रागियां ढाडियां जां किसे भी बुलारे नूं दे दित्ती जावे तां फिर समाप्ति दा इशारा हो जांदा है। वैसे गुरप्यास सत्संग जी ढाडियां नूं जिहड़ा समां चाहीदा घट तो घट दो ढाई घंटे समां चाहीदा, जिहड़ा ढाडियां दा समां ना घट तो घट दो ढाई घंटे चाहिए। साडे अति सत्कारयोग साडे वीर कुलविंदर सिंह जी मुंडी साहब जदों इन्हां नाल विचारां सांझियां हो रही सन मैं कहा भी ऐतकी खुला समा दिओ, पिछली बार समा घट मिलिया सी ते साडे वीर कुलविंदर सिंह जी कहिंदे सी भी ऐतकी खुला समा है, पर गुरप्यास सत्संग जी मैनूं लाभदा वे खुला छोटे पासे नूं खुला समा है। इस करके गुरप्यास सत्संग जी मैं प्रसंग दा को रिजल्ट कढ के खिमा दा जाचक हो जावांगा। लै टको गुरप्यास सत्संग जी हुण माता जी नूं कैद करवा दित्ता गया है, बच्चों कैद करवा दिता गया है। जिस वेले सरहंद लैके गए जानी खाते माली खां, जिस वेले वजीर खां नूं जाके दस्या है, वजीर खां नूं कहण लगे जी वधाइयां होण मुबारक होण, कहिंदा वधाइयां नूं अग ला दिओ। वजीर खां क्या पिया सी, कहिंदा वधाइयां नूं अग ला दिओ। कहदियां वधाइयां, कहिंदा मैनूं दिंदे हो ओह 10 लाख दे घेर दे विचों, चमकौर दी गढ़ी दे विचों ओह दसवां गुरु कहिंदा बच के निकल गया। तुसीं कहिंदे मुबारक होण वधाइयां होण, जानी खां ते माली खां कहिंदे जी गल ते सुण लो। कहिंदा दसो की गल है, कहिंदे जी महाराष्ट्र के पाशा के माता जी ते उन्हां दे दो छोटे बच्चे असी गिरफ्तार करके लैके आए हैं। कहिंदा ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ। गुरप्यास सत्संग जी एक गल याद रखियो, ये मैं विचार आप दे नाल मैं सांझी करनी है। ठंडा बुरज की है? गुरप्यास सत्संग जी उस धरती के उत्ते इतिहासकारां ने लिखिया 10 बुरज सन, 10 बुरज सरहंद दी धरती के उत्ते सन। ये सब तो उच्चा बुरज है, 140 फुट उच्चा लंबा, 140 फुट उच्चा बुरज है। गुरप्यास सत्संग जी ठंडे बुरज विच माता जी ते बच्चों कैद किया गया है। पहली पेशी जिस वेले बच्चों लैके गए सिपाही आण के जाके गद के फतेह बुलाई है, गद के फतेह बुलाई। गुरप्यास सत्संग जी हुण महाराज दे पाछा दे बच्चों बड़े लालच दिते गए, डरावे दिते गए, छक दिते गए, वापस आए माता जी दे कोल आए। माता जी असी सूबे की कचहरी विच जाके गद के फतेह बुलाई है। माता जी कहण लगे जी ओ मेरे लालिया दिओ लालिओ, जी ओ सुणिओ मैं यो चाहनी हाँ तुहाडे दादा जी उत्ते अरछां विच बैठे तुहानू तक रहे ने, किते उहनां दी चिट्टी चादर नूं दाग ना लग जावे पुत्रो, किते उहनां दी चिट्टी पग नूं दाग ना लग जावे, किते तुहाडे दादा जी दा सिर ना नीवा होवे पुत्रो। इसे तरह गज के फतेह बुलायो। और दूजी पेशी दूजे दिन गुरप्यास सत्संग जी इन्हां ने मुगलां ने समझिया कि पहला सीधे दरबार में आ गए ने, वड्डा दरवाजा खुला सी हुण छोटी ताकी खुली है, भई किसे ना किसे तरह सिर झुका के अंदर आउणगे ते असीं कह देंगे इन्हां ने इस्लाम नूं कबूल कर लिया। असीं कहांगे कि इन्हां ने इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लिया, असीं उच्ची उच्ची रौला पा देवांगे। पर जिस वेले छोटी ताकी खुली वेखी है इन्हां ने पहला जुत्ती अंदर लंघाई है, जुत्ती जुत्ती लंघाई, अंदर जाके गज के फतेह बुलाई है। ओए सूबा कह लगा, कहना बच्चियो ये तुहाडे गुरु दा तुहाडे प्यो दा दरबार नहीं हैगा जिथे गज के फतेह बुलांदी हो। ओए सिर ज्यादा गुरप्यास सत्संग जी छोटा साहब ज्यादा फतेह सिंह आ तकियो जरा ते बाबा जोरावर सिंह जी आ सूबे दे सामने खड़ो के गज के फतेह बुला के की कहंदे ने ओ नक्शा दे सामने मैं संगतपुर वालों दा ढाड़ी ता है क्या कहंदे। Ah!
तो पिछे ना ही करिए, पैर धर्म तो पिछे ना ही करिए, पावे बार बार जमीए ते मरिए। ना ही लाल चा ना ही लाल चा च मन नो डोलाइए, अगला दिन जेड़ा होना साहबजाद ने हुण वापस आना नहीं है, साहबजाद ने वापस नहीं आना। गुरु प्यासा सिंह जी तको जरा कि सतगुर महाराज के पातशाह जी अपने बच्चों नूं तकियो अपने बच्चों नूं वड वडेरिया दी कहानियां सुनाउंदे ने कि बच्चो किते तुहाडे दादा जी दे दादा जी तत्ती तवी दे उत्ते बैठ गए, दादा जी दे दादा जी तत्ती तवी दे उत्ते बैठ गए, पर इन्ने मन्नी बच्चो ये तुसीं गज के फतेह बुलाउणी है, अपने दादे की चिट्टी चादर नूं दाग नहीं लाउणा। गुरु प्यासा सिंह जी अगला दिन चढ़िया हुण मां जीता जी ने अपने बच्चों तैयार किया, मां गुजी जी ने अपने बच्चों तैयार किया, माता जीता जी नूं अपनी नूह राणी नूं हुण मां गुजरी जी आवाज मार लगे ने कि कहिंदे ने जीतो राणिए अज आके वेखो आ तेरे छोटे छोटे बच्चे आ तेरे निके निके लाल वेख मौत नूं व्याह चले ने, इन्हां दे नाल कौन जा रहा, इन्हां दी बरात कि है, इन्हां दी बरात विच कौन जा रहा है, ना तो इन्हां दा पिता बरात विच है, ना भरा बरात विच है, ना मां बरात विच है, अज कली दादी माही बरात विच जाएगी। गुरु प्यासा सिंह जी तक्यो जरा, मां गुजरी जी कदे अपनी नूह राणी नूं आवाजा मारदी है कि मेरिया नूहे राणिए आके वेख आ तेरे छोटे छोटे लाल किन्ने फप रहे ने, सोहनिया दस्तारा सजियां छोटिया छोटिया कलगियां लगियां होईयां ने, दादी मां नूं पता है कि अज मेरे लाल दे लाला ने वापस आना नहीं है, अज मेरे लाल दे लाला ने सदा की जिंदगी हासिल कर जानी है। गुरु प्यासा सिंह जी छोटकट कर जावा साडे अति सत्कार योग आ, साडे बहुत ही सत्कार योग ने बाबा मनजिंदर सिंह जी, गुरु प्यासा सिंह जी उन्होंने सारे समुचे जत्थे वालों स्पैशल नाम जत्थे नूं आया, साडे तो बाद उन्होंने हाजरी भरनी है, मैं एक दो कत्ता कह के खिमा तां जाचक हो जावगा। गुरु प्यासा सिंह जी साडियां मातावां भैणां बच्चियां मुंडी परिवार सारे वालों बेअंत मान जत्थे नूं आ रहा है, सतगुर महाराज के पछे रहमत बनाए रखन, साडे अति सत्कार जो साडे वीर गुरिंदर सिंह जी नरूड गुरजीत सिंह जी नरूड जिहड़े लाइव चला रहे ने सारे दे सारे प्रोग्राम नूं अपने कैमरे दे विच कैद कर रहे ने। गुरु प्यासा सिंह जी सारे वालों बेअंत मान जत्थे नूं आ रहा है, सतगुर महाराज के पछे रहमत बनाए रखन, कृपा बनाए रखन, चढ़दियां कला हफ्ता फतेह कंज लो तको जरा। गुरु प्यासा सिंह जी हुण साहिबजादे नूं आए सिपाही आके लै गए, मैं गल छोटकट कर जावा, फतवा ला दिता गया है ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ
उधर चढ़ते बल दे पासे तुरे आ रहे ने ते माता जी पुछन लगे मोती राम सुना मेरे लाला दा मेरे मोतियां दा की हाल है ते मोती राम महाराज दी भुब्बा निकल गई आ माता जी तेरे मोतियां दा हार जड़ा तेरे मोतियां दी माला जड़ी है उहदे विच दो मोती बिखर गए मां सतगुरु नूं प्यारे हो गए प्रॉपर प्याना कर गए गुरु प्यास सत्संग जी इतिहासकारां ने लिखिया है कि माता जी अकाल पुरख के चरणों में जाप राजे हुण सरहंद दी धरती दे उत्ते एक हंसरा नदी चलती है हंसरा नदी दे उत्ते ए तिन दीआं तिन्ने लवारछ लाशां कह के सुट दित्तियां गईआं माफ करियो गुरु प्यास सत्संग जी जे साडी जबान दे विचों सतगुरु महाराज दे पातशाह दे परिवार दे वास्ते लफ्ज़ निकल साडी ते जबान सड़ जाए पर जो कुछ गुरु का दुश्मन या गुरु का निंदक बोलता है संगत के सामने बोल के दसने पैंदे ने क्योंकि असीं गुरु के ढाटी हां तिन दीआं तिन लवार चलासा कह के सहसरा नदी के कंधे उत्ते सुट दित्तियां गईआं ढंडोरा पिट दिता गया ढंडोर की जिहड़ा ढोल वजा के ढंडोरा पिट रहा है कि किते गलती दे नाल भी जाके किते इन्हां मासूमां दीआं लाशां नूं कोई चुकन का यतन ना करे मां की लाश नूं कोई चुकन का यतन ना करे भी जे लाशां लैने आवे तो आप गुरु गोबिंद सिंह आवे उन्हूं नहीं पता कि दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने बच्चों दीआं लाशां के कोलों की लंघ जांदा उन्हूं नहीं पता गुरु प्यास सत्संग जी ढंडोरा पिटिया गया ते दवान टोडर मल दे कन्नां दे विच आवाज पई है दवान टोडर मल जी तुरे ने घरो बुढ़े हो चुके ने डगोरी फड़ी हुई है लाशां दे कोल आके खलो गए लाशां दे कोल आके खलो के भुब्बा मार मार के रोन लग पए लाशां नूं तक के दवान टोडर मल जी गुरु प्यास सत्संग जी किवें भुब्बा मार रहे ने ओ नक्शा उस नाम दे सामने संतपुर वाले दा टड़ जांदा है इह कहिंदा
ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਮੋਤਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਛੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਮਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਗਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਹ ਲਾਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਡੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਗੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਚੰਗਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੈ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਗਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਗਮਾ ਆਖਰੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਪੁਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾੜੀਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ
माता जी की छाती के उने लाल जे छोटे लंबे पा दते गुरप्या सतसंग जी चिखा लंबू लाया दवान टोडरमल जी गच खा के पिछे डिग पाए बड़ा लंबा समा बीमार रहे गुरप्या सतसंग जी सत्कार योग माता गुजरी जी के छोटे साहबजाद की पवित्र कमाई का ध्यान करके एक बार सारी संगत को सतनाम श्री वाहेगुरु गुरप्या सतसंग जी देश के कौम के वास्ते अर्थ के वास्ते धर्म के वास्ते अपना आप वर गए पर इन्हें मनी माफ करियो अजकल गुरप्या सतसंग जी आप अपने सारे दे सारे स्वार्थ पूरे करने वास्ते आपां ते अपने दाली बदल जाने माफ करियो गुरप्या सतसंग जी हो सकता मेरी गल किसे चंगी ना लगे साडे पहला घरां दी आला पईयां हुंदियां सी घरां दी आला पईयां हुंदियां सी जथेदारां दे घर आ इह बाबियां दे घर आ इह सरदारां दे घर आ इह गुरुकियां दे घर माफ करियो अज आला बदल गईयां की पै गईयां इह शराबियां दे घर आ ये लुटेरिया के घर ठगा के घर समैकिया के करके आओ क्योंकि साड़ी गुरु नाल टुट गई जो साड़ी गुरु नाल टुटी ना तो साड़ियां अल्लां बदलियां गुरप्या सतसंग जी वेखो सतगुर महाराज के पातशाह के लाला ने ते मां ने अपनी प्रीत निभा के दस दिती है गुरप्या सतसंग जी आओ साढ़े अति सत्कार योग बाबा लीडर सिंह जी सैफलाबाद वाले ते बापू सोढ़ी सिंह जी उन्होंने हुक्म लाया से संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले के बाबत एक मैं बार आपके चरणों में कहने का जतन करना है गुरप्या सतसंग जी उस तो बाद जिवें संगत का हुक्म होएगा हुक्म तो उन्होंने लाया होया नाल के सुखे जिंदे की वार भी सुनी है तो बापू जी उठ के आ गए गुरप्या सतसंग जी बापू जी कहते दो जरूर सुनिया ने बापू जी दो ला दें दो ही सुना देंगे एक संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले की वार मैं आपके चरणों में कहने का जतन करना मैं शॉर्टकट करके अपने ढाडी बिना तुम्हारे चरणों में हाजिर कर देना गुरप्या सतसंग जी ने तको इंदिरा गांधी ने बहुत चढ़ाई है गुरप्या सतसंग जी तको जरा दो जाने हुए ने दो बराड़ बराड़ सतगुर महाराज के पातशाह के नाल दो कौम ज्यादा रही एक बराड़ एक सिद्धू पर बराड़ ज्यादा रहे ने बराड़ा के एक मिट्टी छानन वाले बराड़ एक सिक्खी मंगन वाले बराड़ गुरप्या सतसंग जी मिट्टी छानन वाले बराड़ा की भी अंसमस वधी है मिट्टी छानन वाले बराड़ इन्हां दी जिहड़ी अंसमस है कुलदीप बराड़ आ जिहड़ा फौजां चढ़ा के हरिमंदर साहब दे उत्ते लैके आया सी ते जिहड़े सिक्खी मंगण वाले बराड़ गुरप्या सतसंग जी ओह बराड़ उन्हां दी कौम उस कौम दे विच उस वंश दे विच संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले होए ने फिर कितने समा बनिया संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले दे आपके चरणों में प्रसंग रखने के यतन करांगे लोग गुरप्या सतसंग जी इंदिरा दी बहुत चढ़ के आई आ इधरों सतगुर महाराज के पाछा ने आज सूर में संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले ने अपने जोधियों को मंगा लिया इन्हें जोधियो आज दुश्मन दल आ गया चढ़ के यह सुखा नहीं जाना चाहिए आज चमकौर याद कर लो कि चमकौर याद कर लो बे दस लख का घेरा पिया चाली सिंह कि उन्होंने इन्हें मने कि अज आज दुश्मन दल चढ़ के आया पर सुखा ना जाए भाई गगन मामा बाजियो भरे छाने कहाओ खेजो मांजो सुर माप चुदन को दाओ मैं सूरा सो पहचानिया जो लड़े दिन के है प्रजा प्रजा कट मरे कपड़ा छोड़े खेत मैं कह के मैं बुला के फते अपने सुर में अपने जोड़े नु मैं सतके नी जनरल सिंह खालसा मैं ना बालिया ने मैं दुश्मन दे उते हल्ला कीता वाला
सच्ची गल जीमिया साडे ते टुके सानू मारन वाले मुके पर असी ना मुके पर असी ना मुके गुरु प्यासा सिंह जी कदे रानी आया अबदाली आया अक ते औरंगा आया अक ते इंदिरा आ गई समय दियां सरकारां आईयां गुरप्यासा सिंह जी समय दियां सरकारियां आईयां इन्हां नूं सिर ते चढ़ियां लाउण दे वास्ते संत ज्ञानी जनरल सिंह खालसा भंडरा वाले आए जिन्हां ने समय दियां सरकारां नूं थले ला के रख दित्ता किते गुरु प्यासा सिंह जी आ हुण समय दियां सरकारां आ मोदी वर्गे आ गए ते साडे किसान किसान वीरां ने थले ला के रख दित्ते गुरु प्यासा सिंह जी सतगुरु महाराज जी पाछा ने कृपा कीती रब दियां संतां दे दर्शन हो रहे ने भाई तो कोई ना गुरु प्यासा सिंह जी बापू सोढ़ी सिंह जी जिन्हां दा हुक्म होया कि हरजिंदर सिंह जिंदा सुखदेव सिंह सुखा जिन्हों आप छोटे ना ना सुखा ते जिंदा जानते हैं गुरु प्यासा सिंह जी सुखा ते जिंदा उन्होंने बाबत एक नगमा मैं शॉर्टकट करके अपने ढाडी वीरां दे कोल आपके चरणों में कहा देना तको गुरु प्यासा सिंह जी उन्हें भी ढाडी दे उत्ते अपने घरवाली दे नाल गड्डी विच बैठ के गया सब्जी लैण जदों दो तिना दुकाना ते गया ना सब्जी को पसंद नहीं आई कहिंदे हुण वापस चलदे आ इधरों सिंह भी मगर लगे सी जो कहते ना वापस चलते हैं हूँ वापस आता पाया तो एक रेहड़ी गया सब्जी की रुक गया अपने घर वाले ने कहता कहना भगवान ने जे आप इतों बैंगन लै लीए आ बताऊ आ बैंगन लै लीए भरथा बनावे गुरु प्यासा सिंह जी सिंह का भी फिर दुख दुख करता बुलेट मोटरसाइकिल मगरे सिंह कह लगे तेरा भरथा तो असी बनाने वास्ते आए हैं तू चिंता ना कर तेरा भरथा तो असी बना है कि समा फे बनया ना यह सुखे जिंदे का पूरा प्रसंग आपके चरणों में कहने का जतन करांगे वैसे गुरु प्यासा सिंह जी तुम इतिहास के विद्यार्थी बैठे हो साडे बाबा जी मनजिंदर सिंह जी बैठे ने गुरु प्यासा सिंह जी इन्हों के सामने तो एक सूरज नूं दीवा विखाउण वाली गल है गुरु प्यासा सिंह जी ये सूरज ने तो असी दीवे आ इन्हां दे सामने तो फिर वह गल है गुरु प्यासा सिंह जी इस करके सतगुरु महाराज जी पछे रहमत कन कृपा करन इन्हां दे प्रसंग यूट्यूब दे उत्ते चढ़े हुए ने गुरु प्यासा सिंह जी बड़ी सेध मिलती है बड़ी बार सुने ने बड़ी बार सरवण किए ने अज पहली बार मैं इन्हां दे दर्शन कर रहा सतगुरु महाराज जी पछे रहमत बनाई रखन कृपा बनाई रखन चढ़दियां कल हरदा फतेह कांजे लो जी गुरु प्यासा सिंह जी हुण आज जनरल वैदिया लगा भरथा खरीदण इधरों सुखा जांदा आया दोने दुख दुख करदे बुलेट मोटरसाइकिल ते कहंदे ओ वैदिया ओ त्यार आ वेख तेनू तुहाडी गड्डी चाहन वास्ते आया आ तेरा भरथा जिहड़ा बताऊं दा नहीं बैंगणा दा नहीं इत्थे तेरा भरथा बना लगे आ वे किवें ओनू गड्डी चाह रिहा किवें ओनू वे तुहाडी टिकट दित्ती आ नक्शा सारा सीन आपके सामने संगतपुर वालिआं दा ढाडी ता हे ओ कहंदा
चलिया बलिया हो तक इधर में होनी तेरी सानू अगे है हो सानू अगे है कलिया सतगुर मरस पछे कृपा करन रबर दी संगतां दे चरणां नाल दस रहे जिथे दा प्यार बनिया रहे साडियां मातावां साडियां भैणां साडियां बच्चियां वलों बेअंत मान जिथे नूं आया साढ़े वीर बच्चों बजुर्गों वालों बहुत सारा मन जितने आया मुंडी परिवार वालों बहुत सारा मन जितने आया है संत महापुरश बाबा लीडर सिंह जी सैफलाबाद वाले उन्होंने नाम से साढ़े बापू जी सोढ़ी सिंह जी गुरप्रसाद सिंह जी स्पैशल नाम 500 दबड़ा जथन देकर गए हैं सतगुरु मरस के पछे रंप बनाई रखन साढ़े बाबा जी मनजिंदर सिंह जी वालों बहुत सारा मन जितने आया है साढ़े वीर गुरविंद जी गुरजीत सिंह जी जो लाइव चला रहे हैं उन्होंने वालों बेअंत मान जितने आया नौजवान वीर वालों साढ़े पिता जी के समान बजुर्ग बैठे ने सारे वालों बहुत सारा मन जितने आया सतगुरु मरस के पछे सारे के नावा जान दे सारे तो मेहर प्रयात रखन चलिए कला हम का फतेह करना इतिहास बोलद बहुत सारिया अतुटियां हो गई ने संगत बख्शन योग है गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शन योग ने बख्श लेना साड़ी अरदास बेनती गुरु की संगत के चरणों है तो गुरु की संगत अरदास बेनती गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में करो कि साढ़े इस जथे चढ़ दिया कला हरता फतेह बख्श हो धन्यवाद है गुरु की संगत का धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद साढ़े वीर का लाइव चलाने वाले का धन्यवाद साढ़े सुनने वाले वीर का सतगुरदाता जी रहमत बनाई रखना अगला प्रोग्राम गुरप्रसाद सिंह जी साढ़े महापुरश बाबा मनजिंदर सिंह जी आपके नाल स्टेज उत्ते आ के सांझ पाउण दा जतन कर रहे हैं गुरप्रसाद सिंह जी आप सारे ने उन्होंने सरवण करना है सुन का जतन करना है सारिया संगतों का धन्यवाद है दियो आ गया तो बुलाओ फतेह आखो गज के वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।